जय माता दी। दोस्तों, सिद्ध शिव तंत्र में आपका बेहद स्वागत है। बहुत ही शक्तिशाली आकर्षण मंत्र, सम्मोहन करता है, आकर्षित करता है जो आपसे रूठ गए हैं। जैसे आपकी पत्नी, भाई, मित्र, दोस्त, यार या कोई प्रेम का आपसे रूठ गई है, या किसी को आप अपना बनाना चाहते हैं, अपने अनुकूल करना चाहते हैं, अपने अनुसार उसको अपने माहौल में ढालना चाहते हैं, तो आप ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसको सिद्ध करके अपने जीवन में लाभ उठाएं। जैसे कि बहुत से मंत्र मैंने बताए हैं, तो सिद्ध थोड़े बहुत करने पड़ते, इसी प्रकार से ये मंत्र भी सिद्ध करना पड़ता है। दीपावली अथवा ग्रहण के समय 1100 बार जप करें, 108 बार इसकी आहुतियां दें। इसके बाद प्रति वर्ष जब भी दीपावली आए तो आप इसको सिद्ध अवश्य करें। यह भी आवश्यक है कि मंत्र जप के समय पूर्ण रूप से तन, मन और संयम से आपको रहना होगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, अपवित्रता ना रहे, काम क्रोध अहंकार छोड़ना पड़ेगा, दुर्भावना और किसी भी प्रकार का मांस मदरा वगैरह आपको छोड़ना पड़ेगी। माँ जगदम्बा आदि शक्ति की दोनों समय पूजन करें, आरती करें, धूप बत्ती करें, दीपक रखें। यह माँ जगदम्बा तारा देवी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र सिद्ध होने के बाद जब भी आपको आवश्यकता पड़े, किसी को अपने अनुकूल बनाना है, तो उसके पास जाकर इस मंत्र को मन ही मन में आपको पढ़ना है। ऐसा मात्र करने से इस मंत्र का अदृश्य प्रभाव जो है, मानसिक समावेश जो है, आपके अनुकूल सामने वाले को बना देगा। आपके मन में जो उसको अपना बनाने की जो विचार चल रही है, जो इच्छा चल रही है, तो इस मंत्र की एनर्जी से, जब इस मंत्र का जाप आप मन ही मन में करेंगे, तो उसकी एनर्जी आपको उस खींच के लाएगी, उसको चुंबक की तरह खींचते हुए आपको अपना बना लेगी। आपके विचारों के अनुकूल सामने वाला चलने लगेगा। ओम स्त्रीम स्त्रीम फट, ओम स्त्रीम स्त्रीम फट। तो दोस्तों, इसमें विशेष ध्यान रखें कि जिस समय आप इस मंत्र को जागृत कर रहे हो या सिद्ध कर रहे हो, स्त्रियों पर दृष्टि ना डालें, मन में वासना ना रखें, पूर्ण संयम और नियम से रहें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और एकांत में इस मंत्र का जप करें। कम से कम 1100 बार जप करें और 108 बार इसकी घी, तिली है, जवा है, ये साकल बना लें, उससे आप आहुतियां दें। पूर्व मुख बैठकर, कम्बल आसन पर बैठकर आहुतियां दें, गणेश जी को नमन करें, मंत्र के अंत में जो है शिव जी का ध्यान करें, शिव जी को बिलपत्र चढ़ाएं, शिव जी को नमस्कार करें, तो यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल है। जय महाकाली।